गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास नाइन्थ में जैसा कि मैं आपको पहले से ये पैसे पढ़ा रहा हूँ, तो आज की भी मेरी टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव आइज। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनके बारे में पैसिव बनाना आपको मैं बताऊंगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पैसिव आइज कैसे बनता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 24 एक्सिलरी वर्ब होते हैं, तो इसमें से जो प्राइमरी एक्सिलरी होते हैं उनको छोड़ के बकिया जो भी मॉडल एक्सिलरी होते हैं उनका पैसिव आइज बनाने के लिए रूल ये होता है कि अगर कोई भी आपको मॉडल एक्सिलरी आ जाता है, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, जैसे कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर मॉडल एक्सिलरी आया हुआ है तो सब कुछ नियम वही रहेगा, यानी कि उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपके पैसे में सब्जेक्ट बनेगा, जो एक एक्सिलरी वर्ब रहेगा वही रहेगा। लेकिन बस यही करना है आपको कि मॉडल एक्सिलरी के साथ बीईबी का प्रयोग करते हैं, सदैव याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी है आपका, जैसे पैसिव का रूल देखिए, इसका पैसिव पैसिव ऑफ मॉडल एक्सिलरी एक्सिलरी वर्ब, पैसिव ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसके लिए रूल देखिए सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें आगे सब्जेक्ट बनेगा, प्लस मॉडल एक्सिलरी यानी कि जो एक्टिव आइज में एक्सिलरी वर्ब रहेगा वही इसमें लगेगा, मॉडल एक्सिलरी प्लस बीईबी का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्टिव आइज है, कोई भी एक्टिव आइज है, जैसे ऐसा हो, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, VLEM, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए इसमें जो ही है क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें जो कैन है ये एक्सिलरी वर्ब है, तो ये जो कैन आया हुआ है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, क्या है, मॉडल, प्राइमरी नहीं, मॉडल है, और जो सॉल्व है क्या है, मेन वर्ब है, और दिस प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है, और इसके बाद सहायक क्या लगाएंगे, और अगर मॉडल है तो बीईबी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर बाई लगाएंगे, और इसमें का जो पड़ता है उसको लगाएंगे, तो हो जाएगा ऐसे, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे जो सहायक या कारण है तो कारण ही आप लिखेंगे, कारण हो जाएगा, बीईबी लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए सॉल्व है तो सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे बाई हो जाएगा, अब देखिए ही का ऑब्जेक्ट ही किस क्या होगा, यहाँ पे ही होगा ऐसा। अब देखिए जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्टिव आइज है कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स ऐसा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, इसका पैसिव क्या होगा, देखिए यहाँ पे यू करता है एक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, देखिए हो जाएगा योर पेरेंट्स, अब देखिए शुड लिख देंगे, जो इसमें एक्सिलरी वर्ब आया उसी को लिख देंगे, अब मॉडल है तो बीईबी लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओबे, यहाँ पे बाई हो जाएगा, अब यू का ऑब्जेक्ट केस यू ही होगा। तो इस तरह आप मॉडल एक्सिलरी का पैसिव आइज बनाना जाने, अगर किसी को कोई समस्या हुआ होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।